أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear brothers and sisters, I welcome all of you with Islamic greetings. May peace and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and blessings of Allah be on you. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء I would like to introduce myself just before I share my story, how I embraced Islam. My name is Muhammad Umar Rao. I come from the background of Brahmin family, a sect in the Brahmin known as Vaishnavas or Madhvas. So I'm from that particular sect. And I was also an ex-RSS member of about 1 or 2 years. And my birthplace was Mysore till my 10th standard, and then we migrated to Bangalore. And I'm only a son to my parents, and I have 2 sisters. By profession, I'm a software engineer working in a telecom company. Now, to start with, you know, how I embraced Islam, I never dreamt in my life. Actually, this talk is in Urdu, so I switch over to Urdu now after my introduction. मैं कभी मेरे खाबो ख्याल में ये नहीं सोचा था कि मैं मुसलमान बनूंगा और मैं मुसलमानों से सख्त नफरत करता था और मुसलमानों से काफ़ी दूर रहता था और कभी ये सोचा नहीं कि मुसलमान सही रास्ते में हो सकते हैं और ब्राह्मिन फैमिली भी ऐसी थी बहुत ऑर्थोडॉक्स थे इसके हिसाब से मैं कभी ये कोशिश भी नहीं किया कि मुसलमान लोग किस चीज़ पर बिलीव करते ये हम लोग माइग्रेट हुए मेरे 10th स्टैंडर्ड के बाद मैसूर से बैंगलोर को फॉर हायर स्टडीज़ मेरे आगे पढ़ाई के लिए तब मेरे माँ बाप ने डिसाइड किया ये एक सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा होना चाहिए उनके काम छोड़कर वो मेरी माँ टीचर थी और मेरे फादर जो है एक टेक्सटाइल इंजीनियर थे केयर मिल में थे वो जब बंद हो गया मैसूर में तो KSRTC में काम करते थे इतना वो खुश नहीं थे उस जॉब से लेकिन वो जॉब मैसूर बैंगलोर वो अप एंड डाउन करते थे वो हमारे साथ में रहते थे और मेरी माँ बाप ये सोचा कि उनकी जो कमाई है उससे ये काफ़ी नहीं है कि वो हम सब बच्चों को पढ़ाएं तीनों बच्चों को पढ़ाएं और बैंगलोर में मतलब और आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा पैसा चाहिए इसलिए उन्होंने क्या किया कि पार्ट टाइम में काम करना या पार्ट टाइम में इन्वेस्ट करना उन्होंने सोचा जो उनके पास पैसा था उन्होंने ये पार्ट टाइम एक दुकान में इन्वेस्ट करने के लिए सोचा और एक
एक मराठी बिजनेसमैन थे, उनसे इन्होंने मिला और उन्होंने जब पार्ट टाइम ऐसा कुछ करना चाहते, जब उन्होंने बताया ऐसा, तो उस मराठी शॉप ओनर ने, एक मुसलमान शॉप ओनर थे राजाजी नगर में, उनसे मिलवाया। तो मेरी माँ ने बताया, मेरे माँ बाप मेरे अंकल थे, उनको बताया कि हम एक काउंटर आपके दुकान में, हमारा थोड़ी चीज़ें हम सेल करेंगे और उसमें जो प्रॉफिट आएगा हम वो थोड़ा शेयर करेंगे। लेकिन वो मुसलमान इतने अच्छे थे कि वो कुछ शेयरिंग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने बोला कि तुमको जो करना है कीजिए, मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका फ़ायदा भी आप ले सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज नहीं किया। और मेरे माँ बाप बहुत इंप्रेस थे और घर में हमेशा उनके बारे में बात होती थी कि ये मुसलमान लोग इतने अच्छे हैं कि ये हुनर हमने, हमको शॉप, ये शॉप में जगा दिया बोल के। लेकिन मैं इससे बहुत नाराज़ था कि मेरे माँ बाप डेली उनके बारे में अच्छा ही बोले जब मैं उनको नफरत करता हूँ। जब मेरी माँ की स्कूल जब ईयरली ख़त्म होता था, जब उसको 2-3 महीने हॉलीडेज होते थे, तो मेरी माँ इस दुकान पे जाके उनको भी मदद करती थी, उनके लिए भी काम करती थी और उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी बेचती थी। और मेरी माँ को ये पसंद था कि मैं जाके वो काम करूँ और मैं जाके थोड़ा बिजनेस सीखूँ, इससे मैं थोड़ा जिम्मेदार हो जाऊँगा और अच्छा हो जाऊँगा। और घर में मुझे बोले कि तुम जाके इसको संभालो, और मैं बोला कि मैं किसी से भी काम करूँगा, मुसलमान के साथ मैंने कर सकता हूँ, और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि अभी मैं काम करूँ और घर पे इतना गरीबी नहीं है मैं काम करके आपको कमा के खिलाऊँ जब मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी माँ ने मान लिया और मैं दूसरी जगह काम करता था 1-2 दिन के लिए, फिर बाद में छोड़ दिया और घर में रहता था ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, जब मेरे छुट्टियाँ होती थी। तो फिर जब दूसरी बार मेरी माँ को छुट्टियाँ आई, तो मेरी माँ, मेरे नानी माँ और मेरे पेरेंट्स, वो सब मुझे बहुत इंसल्ट किए कि तुम जाके करो, तुम जाके काम करो, जब तुम्हारी माँ जाके काम कर रही है, तुम्हारे बहन जाके काम कर रहे हैं और उनकी बिजनेस वो देख रहे हैं, तुमको भी देखना चाहिए, तुम्हारे पैसा है, ऐसे घर में बैठने से अच्छा तुम जाके करो, घर की औरतें कर रहे हैं बाहर। तब मैंने सोचा कि ठीक है जाता हूँ। फिर घर, मैंने उस दुकान में गया राजा जी नगर में, वो लोग बोले आप चिकपेट में हमारी मदद कीजिए, इधर आपकी ज़रूरत नहीं। तो उधर मैं काम कर रहा था, जब इधर मैंने काम करना शुरू किया, मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया कि इनको देखकर, वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ मुसलमान होते थे, तब मैं बहुत नफरत करता था उन लोगों को जो मुसलमान कराते थे ऐसे लोगों को। मैं सोचा ये मुस्लिम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, इनको तो जगह पाकिस्तान में है, ये लोग हमारे हिंदुओं को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर बहुत गुस्सा था, बहुत झगड़ा करता था उनसे। फिर ऐसी ये जब हो रहा था, वो शॉप के ओनर जो थे वो बैंगलोर में नहीं थे, वो कहीं और थे, बॉम्बे में थे, और इसी आर्गुमेंट में उन्होंने थोड़ी चीज़ बताई। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप कुरान पढ़ो, कुरान से आपको कुछ समझ में आएगी, एक किताब है। फिर बाद में मैं सोचा कि अच्छा मैं इनको सिखा। अब मैं हिंदू लड़कियों को जब पूछा तुम लोग क्यों इस्लाम में, वो लोग कुछ आंसर नहीं करते थे, वो इतना ही बोलते थे कि ये सच है इसलिए हम आ गए, या ज़्यादा वो बोलते नहीं थे। और मैं सोचा कि अब आप लोग, ये लोग तो अनएजुकेटेड हैं, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मैं समझता हूँ हिंदुइज्म क्या है बराबर, और मैं इनको एक सबक सिखाऊंगा, मैं इनको हिंदुइज्म सिखाऊंगा ताकि हम भी सच हैं। तब मैं हिंदुइज्म और ज़्यादा गौर से देखने लगा कि हिंदुइज्म में है क्या, और मीन टाइम कुरान भी मैं पैरेलली कुरान भी पढ़ रहा था। थोड़े मैं एनालिसिस किए, थोड़े भगवान की एज पर हिंदू बिलीफ वो क्या करते थे, उनके उनकी क्या हिस्ट्री है, उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या ये है। उसके बाद मैं क्रिश्चियनिटी भी पढ़ा, फिर बाद में मैं इस्लाम कबूल किया। तो वो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पहले जो थे, जब मैं आरएसएस मेंबर था, हमको डेली सुबह में ये बोलते थे कि राम मंदिर हमारा है, कश्मीर हमारा है, तो ये सब होता था। फिर बाद में मैं सोचा कि राम मंदिर, जब उसको बोल रहे कि राम हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पावरफुल भगवान है, तो उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस किया। राम जो है वो एक जो किंग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राजा, वो राजा के घर में पैदा होता है और उसकी 7 बीवियाँ होते हैं उस राजा को, और 7 बीवियों में एक बीवी के बेटे होते हैं राम। और कुछ फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग से इस भगवान को, जो एज पर हिंदू बिलीफ, इसको घर से बाहर निकाल देते हैं और उसको बोलते हैं वनवास, एक 14 ईयर्स, 14 ईयर्स ये वनवास को भेजते हैं जंगल में। इस टाइम पे क्या होता है, रावण एक राक्षस है और वो राक्षस राम की वाइफ को किडनैप करना चाहता है। और जब ये प्लान बना रहा है, राम को ये मालूम भी नहीं कि मेरी वाइफ को कोई किडनैप करने के लिए प्लान कर रहा है, और राम को ये मालूम नहीं हो रहा कि इस बात राम को मालूम ही नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा कि
भगवान को अगर उसको मालूम ही नहीं हो रहा है, उसकी घर वालों पर अटैक हो रहा है, तो उसको क्या मालूम रहेगा मेरे ऊपर क्या मुसीबत आएगी, मुझे कैसे बचाएंगे। तो इसीलिए मैं और आगे जब स्टोरी देखा रामायण, और रामायण जब पढ़ा, यहाँ तक आती है कि रावण प्लान बनाता है और उसके काम वालों को बोलता है तुम जाके उसके सामने एक हिरण बन जाओ, जब तुम हिरण बन जाओगे राम और लक्ष्मण जो है तुम्हारे पीछे भागेंगे, और जब तुम्हारे पीछे भागेंगे तुम ज्यादा दूर भागो, और जब राम और लक्ष्मण जब ज्यादा दूर चले जाए घर से, तब मैं जो है रावण मैं आके सीता को किडनैप करूंगा। तो ये ऐसा ही होता है, और राम को ये 1% भी इसका मालूमात नहीं होता है। अब ये मैं सोचते रहता था ये भगवान कैसा हो सकता है, उसके घर वालों के ऊपर कोई अटैक कर रहा है और उसके घर वालों को कोई किडनैप कर रहा है, लेकिन इसको मालूम भी नहीं हो रहा है। और ऐसे ही आता है रावण की काम वाला जो है वो हिरण बन जाता है, राम उसके पीछे भागता है, लक्ष्मण भी उसके पीछे भागता है, ये बोलकर ये लक्ष्मण रेखा है इसको पार मत करो, और वो दोनों भागते हैं। अभी इसके टाइम पे क्या होता है, रावण जो है एक भिक्षुक जो बोलते हैं ये भीख मांगने वाले के वेश में आते, वो उसको सीता को बुलाता है कि मुझे कुछ चाहिए। अब सीता जब बाहर आती है वो बोलती है मैं ये रेखा से आगे नहीं आ सकूंगी। फिर उनके बाद में डिस्कशन होता है और रावण बोलता है कि आप बाहर आके देना चाहिए कि मैं कोई भिक्षुक नहीं हूँ लेकिन मैं एक अच्छा भिक्षुक हूँ। तो सीता उस लक्ष्मण रेखा से पार करती है, पार करके जो है जब जाती है रावण उसको किडनैप करता है। जब वो किडनैप कर रहा होता है तब भी राम को और लक्ष्मण को मालूम नहीं होता कि मेरी बीवी मेरे घर पे अकेली है और उसको कोई किडनैप कर रहा है। हाँ, जब किडनैप हो रहा है तभी भी सीता अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं करती है, वो बहुत मजबूर होती है और वो रावण किडनैप करता है और लेके चले जाता है। इसके बाद जो है राम उसको तलाशने के लिए, वो उसको कौन किडनैप किया उसको वापस लेके आने के लिए वो कितने साल लगा देता है, और ये हनुमान जिसको बोलते हैं, ये उनको बोलते हैं वानरों बोलते हैं कन्नड़ा में, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मंकीस, उनके मदद से, ये बंदरों के मदद से वो कितने सालों के बाद सीता को वापस लेके आता है। और मेरे दिमाग में यही बात आता था अगर राम सच्ची में भगवान है तो उसको इन वायुसेना की क्यों मदद, इनकी इनकी क्यों जरूरत है, वानरों जिसको बोलते हैं बंदर, इसकी क्यों जरूरत है, ये खुद जाके लेके आ सकता है। अगर ये भगवान है तो इसकी कोई जरूरत नहीं कि इसको किसी और की मदद की जरूरत नहीं, भगवान खुद अपने काम कर सकता है, लेकिन इसकी वाइफ को लेके आने के लिए ये बंदरों की मदद से लेके आता है। फिर भी लेके आने के बाद सीता को बोलता है कि मैं तुम पर लोग तुम पर शक कर रहे हैं, तो इसीलिए तुमको एक टेस्ट करना पड़ेगा, तुम पे एक टेस्ट किया जाएगा, जैसे इसको बोलते हैं कन्नड़ा में अग्नि परीक्षा। वो अग्नि परीक्षा मतलब ये एक आग से तुमको जाना पड़ेगा, जब तुमको हार्म कुछ नहीं होता इसका मतलब तुम प्योर हो, तो वो आग से निकलती है, फिर बाद में राम उसको कबूल करता है, वो एंड है। तो मैं सोचता था राम हिंदू के हिसाब से वो एक भगवान है और सीता भी एक भगवान है। जब भगवान एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, भगवान भगवान के ऊपर क्यों भरोसा नहीं करता है। तो फिर मुझे ये लगा कि एक स्टोरी है। अब जब कुरान पढ़ रहा था, मेरे नानी को और मेरे माँ बाप को जब पूछता था रामायण रामायण जो है इसको कौन हमको दिया, रामायण किसने दिया हमको, तो वो बोलते थे रामायण लिखा हुआ है एक ऋषि से, वाल्मीकि जो बोलते हैं, वो ऋषि ने लिखा है रामायण। तो ये मैं सोचता था राम, मेरे नानी बोल रही है रामायण लिखा हुआ है, जब मैं उसी को पूछा कुरान क्या है, वो बोलती थी कुरान जो है मुसलमानों के ऊपर उसके भगवान ने उनको दिया है, ये कोई लिखा नहीं है, भगवान ने दिया है। तब मैं सोचा नेचुरली जब ये किताब जो भगवान से है वो ज्यादा पावरफुल रहेगी, जो किताब लिखी हुई है वो ज्यादा वीक रहेगी, तो मैं सोचा भगवान से है कुरान, इसका क्या प्रूफ है, तो मैं तलाश करने लगा और भी एनालिसिस किया, जैसे गणेश है, और गणेश की जब मैं एनालिसिस किया, गणेश भगवान हम इसको मानते हैं जब मैं हिंदू था, अभी पार्वती जिसकी पत्नी है, ईश्वर शिवा जिसको बोलते हैं, ईश्वर एक जो मोस्ट पावरफुल गॉड है, एक मोस्ट पावरफुल सबसे ताकतवर भगवान है, और ये ईश्वर की पत्नी है पार्वती। ईश्वर इतना इतना ताकतवर है, अगर वो तीसरा आंख भी खोल देगा तो वो दुनिया भस्म हो जाएगा, ऐसा सब बिलीफ है। तो ऐसी ताकतवर भगवान की ये पत्नी है पार्वती, और वो भी भगवान है, गॉडेस बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो पार्वती उसको नहाना होता है और वो गणेश को बना देती है कि तुम मेरा वॉचमैन रहो। मैं सोचता था इतनी पावरफुल इतनी ताकतवर भगवान की बीवी को सिक्योरिटी क्या जरूरत है, फिर भी वो बनाती है गणेश को।
फिर वो नहाने जाती है और ईश्वरा जो है घर में दाखिल होता है। उसके घर में जब आता है वो पूछता है गणेश को, तुम हो, तुम कौन हो? तो मैं ताज्जुब हो गया ये पढ़ के और ये देख के भी कि ये कैसा सवाल पूछ सकता है ईश्वर, जब उसकी उसको इतना भी इल्म नहीं है उसके घर में क्या हो रहा है। उसकी बीवी ने उस गणेश को बनाया और उसको इल्म ये भी मालूम नहीं कि इसको कौन बनाया और मेरे घर में ये कब आया। वो आके पूछता है इसको, तुम कौन हो? जब ये ताकतवर भगवान है इसको इतना मालूम होना चाहिए, पूरे दुनिया के हर कोने में क्या हो रहा है इसको मालूम होना चाहिए, लेकिन ये भगवान घर में आके बात करता है और गणेश से पूछता है कि तुम कौन हो। इसका मतलब जब ईश्वर को उसके खुद के घर में जो मालूम, जो हो रहा है वो मालूम नहीं है, तो मेरे घर में या दूसरों के घर में जो प्रॉब्लम्स इस दुनिया में हो रहा है उसको कैसे पता चलेगा। तब तो मैं सोचा ये जो है ये भी एक स्टोरी की जैसी लग रही है। फिर आगे जब देखेंगे स्टोरी क्या होता है, फिर ईश्वरा जो है गणेश की गर्दन काट देता है जब गणेश उसको अंदर जाने नहीं देता है। उस टाइम पे पार्वती आती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये मेरा बेटा है और इसको वापस जिंदा करो। और ईश्वरा बोलता है मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको काट दिया है। और पार्वती और ईश्वर ये काफी दिनों तक ये झगड़ा चलता है। फिर बाद में ईश्वर बोलता है कि मैं इसको हाथी का सर से उसको जोड़ता हूँ और उसके उसके एसोसिएट्स को बोलता है कि तुम हाथी इस डायरेक्शन पे जो सोया हुआ है वहां पे जाओ और उस हाथी को आप कट करो, उस हाथी के सर को, और वहां लेके आओ और मैं इसको जोड़ दूंगा। अब लेके आते और उसको जोड़ देता है। अब मैं सोचा ये क्या लॉजिक है, उसी सर को वो ज्यादा आसानी से जोड़ सकता है, हाथी के सर को क्यों जोड़ा जब जान नहीं दे सकता हूं बोल के, फिर बाद में हाथी के सर से क्यों उसको जान वापस दिया। बाद में मैं सोचा कि इतना बेरहम क्वालिटी, जब इसको सर उड़ा देना, कट कर देना, ये क्वालिटी भगवान की नहीं हो सकती है। इतनी बेरहमी से एक गलती उसने किया, उसने जाने नहीं दिया, उसको कत्ल कर दो इमिडिएटली, ये तो बेरहम एक कैरेक्टर है, भगवान की नहीं हो सकती है। फिर बाद में मैं सोचा गणेश की मैं पूजा क्यों करूं, जब वो खुद अपनी सर बचा नहीं सका तो उसकी क्यों पूजा करो, जो उसकी अपने आप की अपने खुद की जान की जब वो रक्षा नहीं कर सकता, क्यों मेरी जान की, मेरे घर वालों की, मेरी माल की क्या रक्षा करेगा वो। तो इसीलिए मैं वो स्टोरी सुन के मुझे बहुत ये हुआ, अफसोस हुआ, और पढ़ के, और मैं जब मेरी नानी और इनसे सब पूछता था, मेरे घर वाले जो भी बड़े थे, माँ बाप थे, उनसे पूछता था कि भगवान को देखा कौन है, जब हम पूछते हैं कि गणेश की फेस जो है ऐसा है, ईश्वरा का फेस ऐसा है, हमको कैसा मालूम है ये, तो घर में बोलते थे नहीं ये हम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी पूर्वज जो है बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो इसीलिए हम कर रहे हैं ये बात, तो इसीलिए हम पूजा कर रहे हैं इस मूर्तियों की। और जब मैं कुरान पढ़ रहा था, कुरान में भी यही आता है कि क्या अगर तुम्हारे पूर्वज जिहालत में थे, जब तुम्हारे सामने सच्चाई वाजे हो गई, क्या तुम भी जिहालत में रहोगे? तो मैं सोचा ये किताब जो है ये आंसर दे रहा है, जो मेरे क्वेश्चन जो मैं माँ बाप के पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चंस को ये किताब मुझे आंसर दे रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन मैं सोचा वो फिर बाद में मैं और डीपली हिंदू एनालिसिस किया। मैसूर का था, हमारे मैसूर में चामुंडेश्वरी हिल जो है उस वो हिल एक विटनेस है, ये एक भगवान थी, एक भगवान है बोल के, इसलिए मैं सोचा ये शायद ये भगवान मुझे बचा लेगी इस मुसलमान से आर्ग्यू करने के लिए। जब मैं उसके बारे में जब थोड़ा जानकारी लिया, वो भगवान चामुंडेश्वरी जिसको बोलते हैं, महिषासुर एक बड़ा राक्षस होता है हिंदुइज्म में, एक कॉन्सेप्ट है कि ये देवरु राक्षसरु इनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। ये राक्षसरु एक सेक्ट है, ये लोग जब राक्षस होते हैं, और ये राक्षस का ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि ये लोग दुनिया में सबसे बड़े हो जाएं और ये देवरु जो है उनको खत्म करें, तो ये दोनों के बीच में बार बार लड़ाई होती रहती है। तो महिषासुर जो भी है वो भी एक राक्षस होता है, और ये राक्षस जो है ये लंबी तपस्या में बैठता है काफी सालों तक। जब इसकी तपस्या कबूल होता है, ब्रह्मा जो क्रिएटर है हिंदू बिलीफ के हिसाब से, वो इस तपस्या को कबूल करता है और वो बोलता है आपको जो चाहिए मांगे मैं दूंगा। और ये महिषासुर ये जो राक्षस है ये पूछता है कि मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाओ, हाँ, और मुझे अमर बनाओ, मुझे चिरंजीव बनाओ, मतलब मुझे कभी मौत नहीं आना चाहिए। और ब्रह्मा बोलता है ठीक है ये विश आपको, ये वर मैंने आपको दे दिया। अब क्या होता है, और एक कॉन्सेप्ट है कि ये भगवान हिंदू हिसाब से, हिंदू के बिलीफ के हिसाब से ये एक जगह पर रहते हैं, उसको बोलते हैं देवलोक, और जो राक्षस रहते हैं उनका अलग जगह होता है, और मानव जो बोलते हैं मनुष्य और ये ह्यूमन बींग जो बोलते हैं उनका जगह है ये दुनिया।
और ये राक्षसा महिषासुर को जब मिल जाता है एक वर, सबसे ताकतवर बन जाऊंगा, और सबसे ताकतवर बनता है, और उसको मौत कभी टच नहीं करके ये जाता है देवलोका को और सबको, देवताओं को मारने के लिए। मैं सोचता था कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये राक्षसा तपस्या में बैठा, एक इबादत में बैठा इतने साल तो, और इतने साल के बाद उसने भगवान से वर मांगा कि मुझे ताकतवर बनाओ, और उसको भगवान ने वर दिया, फिर उसी भगवान की ये कत्ल करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं भगवान को उल्लू बना सकता हूँ, कभी भी भगवान 10 साल बैठो, भगवान से वर ले लो और उसके बाद में उसी को मारने लगो। तो मैं सोचा ये एक 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 इमेजिनरी स्टोरी है, ये सच नहीं हो सकता है, ये लॉजिकल नहीं है। तो बाद में क्या हुआ, ये राक्षस जब सबको मार रहा होता है, ये लोग देवते बोलते हैं, देवते गुरु, ये लोग सब जाके इनसे मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, इनसे जाके मिलते हैं और इनको पूछते हैं कि हम ऐसे मुसीबत में हैं, ये महिषासुरा जो है हमको मार रहा है, हम क्या करें अभी। ये ब्रह्मा बोलते हैं, अरे इसको मैंने वर दिया है, अभी मैं इसको वापस नहीं ले सकता, मैं वापस अगर लूंगा ये फिर से भी डीएक्टिवेट नहीं होगा, इसको इसका एक बार मैंने वर दे दिया, मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। तो मैं सोचा कि ऐसा कैसा हो सकता है, मैं 10 साल बैठ के भगवान को उल्लू बना के एक वर ले लूँ और बाद में उल्टा मैं भगवान को ही मारना शुरू कर दूं, ये सच नहीं हो सकता है। फिर ब्रह्मा बोलते हैं, अच्छा मेरे पास एक रास्ता है इसको मारने के लिए, मैंने जो इसको वर दिया है, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जो दुनिया में ऑलरेडी हैं, भगवान आदमी कोई भी हो, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जो अभी मौजूद है इस दुनिया में, लेकिन जो आने वाले हैं उनसे ज्यादा ये ताकतवर रहेगा, ये तो वर नहीं दिया हूं, तो इसलिए हम ये काम करेंगे, एक नया एक भगवान को हम पैदा करेंगे जो उससे ज्यादा ताकतवर होगा और वो उसको मारेगा। तो ये क्या करते हैं, ये विष्णु बोलता है मैं औरत हो जाऊंगा, और शिवा जो है बोलता है कि मैं और तुम, हमारा मिलन होगा, हमारे मिलन से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा जो है वो नया भगवान होगा और वो महिषासुर को कत्ल करेगा, और जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम होता है चामुंडेश्वरी, वो लड़की होती है उसको चामुंडेश्वरी बोल के नाम रखते हैं, मतलब चामुंडेश्वरी, वो ईश्वर का भी नाम ही आता है चामुंडेश्वरी, वो जाके उसको कत्ल कर देती है महिषासुर को। मैं सोचा एक मिनट के लिए, सोचा अगर मैं भगवान होता, मैं ब्रह्मा के जगह होता, तो मैं कभी, मुझे मालूम हो जाता था कि ये राक्षस 10 साल के लिए इसलिए बैठा है मुझे मारने के लिए, ये देवरों को खत्म करने के लिए इसलिए बैठा है, तो मैं कभी वर नहीं देता, ऐसा पूरा ड्रामा करने से अच्छा मैं वर नहीं देता, और या तो वर देने के बाद उसको कत्ल कर देता। तो ये सब देख के मुझे लगा एक हिंदुइज्म, एक माइथोलॉजी, और मेरे माँ बाप और सब लोग बोल रहे कि हमारे भगवान जो हम जिसको पूज रहे हैं, जो भी हमारे मूर्तियां हैं, बस ये लोग, ये सच कोई किताब में नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं कि इसलिए क्योंकि ये हमारे पूर्वज कर दे रहे हैं। और एक ऐसी चीज थी जिससे मुझे ये आसान हुआ हिंदुइज्म के बारे में मैं बिलीफ छोड़ने के लिए, कि हमारे घर में एक कॉन्सेप्ट है माने देवरू, जिसको बोलते हैं घर का भगवान, हर एक घर का अपना अपना खुद का भगवान होता है। तो मेरे घर में भी हमारा माने देवरू जो बोलते हैं, हमारा घर का भगवान जो था वो स्नेक था, स्नेक सांप, और मेरे कजिन